आप देख सकते हैं सारी मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही चटपटी बनी है। आप मेरे तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट ले हमने कैसे बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी है। इसे आप लस्सी के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मजे की है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगी। यहाँ मैंने गोल वाली सब्ज मिर्च ली है। सब्ज मिर्च को मैंने सेंटर से कट लगा लिए, आप देख सकते हैं। एक नींबू का रस डाल लेंगे। आप इसमें दो नींबू भी डाल सकते हैं। आधी चमची नमक लगा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आधी प्याली बेसन, 4 चम्मच गंदम का आटा, आप आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच साबुत जीरा, आप पिसा हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका ना गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेना है, एक साथ नहीं डालना। आप देख सकते हैं इतना ही गाढ़ा रखना है, इसे बिल्कुल भी पतला नहीं करना। मिर्ची को भी 5 मिनट हो चुके हैं नींबू और नमक लगाए हुए। घी हमारा गर्म हो चुका है, चूल्हे की आंच को ना मैंने कम कर दिया है। इसी तरह एक एक पीस लेंगे मिर्ची का। इसी तरह बेसन लगाते जाएंगे डिप और डालते जाएंगे। इसी तरह सब मिर्चों को डाल लेना है बेसन लगाकर। ये गर्मियों का खास तोहफा है, आप इसे दोपहर में बनाएं, लस्सी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी रहती हैं। ऐसे भी मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसे 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने देते हैं। चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल कम किया, आप देख सकते हैं कैसे बबल ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल कम आ रहे हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हटा लेते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बनी है एक साइड से। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका है मिर्च फ्राई करने का। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। ये वाली साइड से भी ब्राउन होने देते हैं, जिधर से कच्चा लगे उधर से उठा के पका सकते हैं। ये मिर्च ना बहुत ही टेस्टी बनती है, आप दोपहर में लस्सी के साथ और रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की है। ये गर्मियों का खास तोहफा है। ऐसे ऐसे ब्राउन कर लेंगे, इधर से भी जलेगी नहीं। दोनों साइडों से मिर्चे ब्राउन हो चुके हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। आप देख सकते हैं सारी मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही चटपटी बनी है। आप मेरे तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट ले हमने कैसे बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी है। इसे आप लस्सी के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मजे की है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।